हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग कॉर्नर 9। तो आज हम बना रहे हैं ये सिंपल सा प्यारा सा क्यूट सा पिंक वेनिला केक। ये तकरीबन 1 पाव का है, बहुत ही छोटा केक है ये। तो दिखने में ये जितना ब्यूटीफुल है, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 5 इंच का केक टिन लिया है एल्युमिनियम का। तो अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप घर के किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे कुकर के डिब्बे होते हैं दाल चावल के, उस डिब्बे का भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे से ऑयल या फिर बटर से इसे बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेना है, इसके चारों साइड को और बीच के हिस्से को। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें ग्रीस करके एक सर्कल शेप का बटर पेपर लगा देंगे। तो बटर पेपर मैंने पहले से ही कट कर लिया था, और बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर से भी हम बहुत ही अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, केक टिन हमारा रेडी है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो अब हम केक के बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है, इसी के अंदर हम केक का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पीसी हुई शुगर ली है, यानी कि चीनी। तो सिंपल आप घर की रेगुलर शुगर को बहुत ही अच्छे से मिक्सर में पीस के इसे छान लीजिए, तो ये केक के लिए तैयार हो जाएगी। और उसी कप से 1/4 कप मैंने घर की ताज़ी फ्रेश दही ली है। खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है हमें, ताज़ी दही का ही यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखें। और 1 चम्मच तकरीबन मैंने मेल्टेड बटर लिया है, आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है, बहुत ही अच्छे से एक स्मूथ बैटर बना के रेडी कर लेना है, और इतना फ्लफ़ी बनाना है कि एकदम रबन कंसिस्टेंसी का बन जाए। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे केक बहुत ज़्यादा फूलता है और फ्लफ़ी बनने में हेल्प होती है। तो आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में हमें इसे इस तरीके से फेंटना है, ताकि चीनी दही में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाए और घुल जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक चलनी ली हुई है, इसके अंदर मैं 1/2 कप, जो हमारे मेजरिंग कप होते हैं ना, उससे 1/2 कप मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ। और उसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून या 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर मिल्क पाउडर से ना केक का टेस्ट बहुत टेस्टी आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो इस तरीके से छोटे पाउच अवेलेबल होते हैं हर मार्केट में, तो आप आसानी से इसे ले सकते हैं। अब मैं 1/2 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और उसी के साथ 1/4 चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा में ऐड कर रही हूँ। बस अब हमें क्या करना है, 1 स्पून से इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लेना है, और अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, ये केक को फूलने में बहुत बहुत मदद करता है। तो इसी तरीके से आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें, इसकी कोशिश करें। तो बस हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के रेडी कर लिया है। तो बस अब सारे इन इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत ही अच्छे से स्पून की सहायता से मिला लेंगे एक दूसरे से, मतलब जो ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट है उन सबको एक अच्छा एक साथ कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि हमें एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इस स्टेज पे अभी आप एकदम से मिल्क या पानी ऐड ना करें, पहले हम बहुत ही अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे, उसके बाद हम मिल्क ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है, यानी जिस कप से मैंने दही और चीनी ली थी, उसी कप से मैं यहाँ पे 1 पूरा कप दूध ले रही हूँ। तो हमें दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और एक बहुत ही अच्छा स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना के हमें तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बचा हुआ 1/2 दूध भी मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। तो ये पूरा 1/4 कप दूध हमें यहाँ पर लगा है, अब हम अच्छे से मिला लेंगे और बस एक रिबन कंसिस्टेंसी बैटर बना के रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, बैटर हमारा परफेक्टली तैयार है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे, और अब हमारा होममेड ओवन, यानी कि जिस कढ़ाइया में हमें केक बनाना है उसे प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, और उसमें एक छोटी सी प्लेट डाल दी है। अब
केक टिन में हम केक का सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो बैटर है निकल जाता है। अगर आप इस तरीका का स्पैचुला यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही इजीली सारे बैटर को निकाल लेता है, और बैटर या कोई भी चीज़ ना जो भी हम यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में जो भी हो वो वेस्ट नहीं होती। तो इस तरीके का स्पैचुला बहुत ही बहुत काम का है, ये सिलिकॉन है। तो बस हो, सिंपली हमारा बैटर रेडी है केक टिन में। अब हमें इसे बेक के लिए बस डालना है। तो पहले 2-3 बार हम अच्छे से इसे टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर इसके अंदर है वो अच्छे से निकल जाए और एकदम केक बनने में दिक्कत ना जाए, बहुत ही स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो। बस अब ये हमारा प्री हीटेड ओवन में हमने हमारा केक का जो टिन है वो रख दिया है, और अब हम इसे आराम से ढक के 20 या 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, यानी कि बेक होने के लिए। तो चलिए फिर 20-25 मिनट बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 20 मिनट इसे बेक किया है, क्योंकि ये केक सिर्फ 1 पाव का है, ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे फोक से चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पूरा क्लीन आया है। अगर केक नहीं पका होता तो बीच में ये थोड़ी स्टिकी हो जाता हमारा फोक। तो आप नाइफ से भी चेक कर सकते हैं, टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक के ऐसे ही रहने देंगे जब तक केक पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। हम उसे डीमोल्ड नहीं कर सकते वरना केक टूट जाता है। तो हम उसे केक ओवन में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये विप क्रीम ली है केक पे आइसिंग करने के लिए। तो मुझसे ना ये वीडियो स्किप हो गया, मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैं केक की विपिंग की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये बस मैं इतना बता पाऊँगी कि 1 kg का विपिंग क्रीम है। तो मैंने ये फ्रीज़र से 7 घंटे पहले निकाल लिया था, फ्रिज में रख दिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए। और विप कैसे करते हैं अब ये मैं आपको लास्ट या नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगी अपने। तो अब डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि केक की मैंने आइसिंग कैसे की। तो ये मेरा केक का टर्न टेबल है और केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैंने एक प्लेट पे इसे टर्न करके इस तरीके से हल्के हाथ से टैप किया है अपने टिन को, और बहुत ही ईजीली केक हमारा निकल के बाहर आ गया है। तो ध्यान रहे इस बात का कि केक को हमेशा ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करें, बहुत ही इजीली निकल आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा जालीदार इसका टेक्सचर है और कितना स्पॉन्जी बना है केक हमारा, एकदम जूसी बना है, बहुत ही यम्मी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। बहुत ही ईजीली बटर पेपर हमने इसका निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना इजीली बना है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। इसमें वेनिला एसेंस डालने वाला भी मेरा सा वीडियो स्किप हो गया था, थोड़ा सा मेरे कैमरे में इशू आ गया था फ़ोन में, तो कैमरा बंद हो गया था। तो बैटर जब हम बेक के लिए डालते हैं उसके 1 मिनट पहले ही मैंने वेनिला एसेंस डाला था और उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो चलिए फिर अब हम इसकी आइसिंग करते हैं। तो सिंपली इसे इस तरीके से मैंने एक प्लेट रख दिया है उल्टा करके टर्न टेबल पे, और केक का बेस रख दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, एक शार्प नाइफ लेके ना इसका जो अनइवन पोर्शन है ऊपर का, जो ये अनइवन हिस्सा है, इसे हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि हमें एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैट सरफेस मिल जाए। तो बहुत ही ईजीली कट हो जाता है ये। तो बस एक फ्लैट सरफेस हमें मिल गया है। अब हम केक को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स हमें इसे 2 हिस्सों में ही कट करना है, क्योंकि केक हमारा बहुत ही छोटा बना है तो हमें 3 लेयर्स में से नहीं कट करना है, हमें इसे 2 ही लेयर्स में कट करना है। तो बहुत ही इजीली, अब देखिए अगर आपके पास कुछ नहीं है कट करने के लिए तो सिंपली हम ना एक शार्प नाइफ से इसके केक के सारे सर्कल पे ना बीच बीच से कट डाल देंगे, और इजीली फिर हल्के हल्के हाथ से नाइफ अंदर डालते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बहुत ही ईजीली हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो ये देखिए हमने केक को 2 लेयर्स में कट कर लिया है, बहुत ही ईजीली कट हो गया है। तो बस अब हम इसे सैम्पल करते हैं, आइसिंग करते हैं केक की। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है, और इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा शुगर सिरप, बहुत ईजीली बन जाता है। अगर हम पिसी हुई चीनी के साथ बनाएं तो 2 सेकेंड में बन के रेडी हो जाता है। तो बस शुगर सिरप हमारा रेडी है, अब हम केक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक प्लेट को टर्न करके टर्न टेबल पे रख देंगे,
और उसके ऊपर हम अपना केक का बेस रखेंगे। तो केक का बेस रखने से पहले हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम इस तरीके से लगा लेंगे हमारे केक बेस की सॉरी प्लेट के ऊपर, और अब इसके ऊपर हम अपने केक का बेस रखेंगे। तो मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा था ना केक का, उसे उल्टा करके इस तरीके से लगा लिया है ताकि इसके अंदर ना शुगर सिरप बहुत ही अच्छे से केक ऑब्जर्व कर सके। तो बस अब ब्रश से हल्के हल्के हाथ से बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस पर शुगर सिरप लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, और ये बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व भी कर लेता है शुगर सिरप। तो शुगर सिरप लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे केक काफ़ी मॉइस्ट रहता है लंबे समय तक और ड्राई नहीं होता है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से शुगर सिरप अप्लाई कर लिया है, अब हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली व्हिपिंग क्रीम अभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पाइपिंग बैग में भी आप व्हिपिंग क्रीम को डाल के इसे लगा सकते हैं, और ऐसे भी बहुत ही इजीली लग जाती है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इजीली टर्न टेबल की मदद से तो बहुत ही इजी हो जाता है, और ये जो नाइफ़ है उससे भी बहुत आसानी होती है लगाने में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास आज वीडियो स्किप हो गया था व्हिपिंग क्रीम बनाने का, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैं नहीं वीडियो शूट कर पाई व्हिपिंग क्रीम बनाने की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको वीडियो बताऊंगी कि मैंने क्रीम कैसे मैं व्हिप करती हूँ या मैंने कैसे व्हिप किया था, तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगी। तो देख सकते हैं आप बहुत ही इजीली इस तरीके से टर्न करते हुए मैंने एक अपने ऊपर के बेस पे केक के बहुत ही अच्छी तरीके से क्रीम को लगा लिया है, अप्लाई कर लिया है। अब हम इस पे सेकंड बेस रखते हैं हमारा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो लास्ट का बेस था हमारा, मतलब जो नीचे का हिस्सा था, उसे पलट के मैंने ऊपर के हिस्से पे लगाया है ताकि शुगर सिरप ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व भी करे और हमें एक फ्लैट सरफेस मिल जाए ऊपर के हिस्से के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत ही अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर सिरप अप्लाई कर लिया है, और बस अब इसके ऊपर भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी क्रीम लगा लेंगे व्हिपिंग क्रीम, और एक अच्छे से पूरे सरफेस को पूरे हिस्से को कवर कर लेंगे क्रीम से, और उसी के साथ हम केक की सारी साइड्स को भी क्रीम से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से उसी नाइफ से या जो भी केक का ऑफ स्पैचुला होता है उससे मैं किस तरीके से क्रीम को मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप आ गया है, बहुत ही अच्छे से फिनिश आ गया है, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। तो एक इस तरीके का स्क्रैपर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर अगर नहीं है तो हम हमारे पुराने ख़राब एटीएम कार्ड से या फिर प्ले कार्ड जो होते हैं उससे इस तरीके से राउंड करते हुए अगर हम घुमा लें तो बहुत ही ईजीली क्लीन हो जाता है, और एकदम शार्प हमारा ये जो है फिनिश आ जाता है केक का। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिनिशिंग दे रही हूँ केक को, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, कोई झंझट का काम नहीं है, बस सिंपल इस तरीके से आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा और आप फिर इसे इजीली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम निकाल के अलग कर रही हूँ, इतनी व्हिपिंग क्रीम मेरी यहाँ बच गई है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप व्हिप क्रीम लिया था, मतलब जिस कप से मैंने मैदा लिया था ना केक बनाने के लिए उतना ही कप मैंने व्हिप क्रीम लिया था। तो ये एक बाउल भर के व्हिपिंग क्रीम तैयार हुआ था, उसमें से इतना क्रीम बच गया है मेरे पास, तो मैं आधा क्रीम इस बाउल में निकाल रही हूँ, और बचे हुए क्रीम में मैं पिंक जेल कलर फूड कलर ऐड करूँगी। तो ध्यान रहे, जब भी हम व्हिपिंग क्रीम में कलर हमें मिक्स करना हो या हमें कोई भी कलर ऐड करना हो तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें फूड जेल कलर का ही यूज़ करना है, लिक्विड कलर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्रीम पतली हो जाती है और केक पे अप्लाई करने के बाद मेल्ट हो जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जेल कलर का ही यूज़ करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये पिंक कलर है, तो मैं इसके एक या दो ड्रॉप ऐड करूँगी, बस इनफ है ये, इससे बहुत ही परफेक्ट कलर बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली कलर भी तैयार हो गया है हमारा। तो बस अब हम एक स्टार नोज़ल लेंगे, ये छोटा वाला स्टार नोज़ल ले रही हूँ मैं, और इससे एक सिंपल सी मैं अपने मन से कोई भी डिज़ाइन डाल रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, काफ़ी मतलब डिज़ाइन के नोज़ल्स होते हैं, आप बहुत तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा क्यूट सा पिंक वनीला केक बनाना चाह रही थी, इसलिए मैं बहुत सिंपल से डिज़ाइन यहाँ डाल रही हूँ, छोटा सा केक है इसलिए एकदम सिंपल से डिज़ाइन।
और तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को रख के क्रीम इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, पिंक वाला क्रीम जो हमने बनाया है। बहुत ही इस तरीके से करने से ना बहुत ही इजीली क्रीम डल जाती है और डिज़ाइन करने में भी आसानी होती है, बहुत ही अच्छे से स्टफ़ हो जाती है क्रीम अंदर। तो बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से पुश करते हुए हमें एक स्टार नोज़ल का यूज़ करते हुए एक इस तरीके से डिज़ाइन निकालनी है। तो ऊपर के सरफेस पे तो डिज़ाइन हमारा बन गया है, तो जहाँ जहाँ जगह खाली बच जाती है ना वहाँ छोटे छोटे स्टार्स आप डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने हल्का से हाथ से इसे पुश किया है और छोड़ दिया है, तो एकदम छोटे से स्टार बने हैं। इससे जो है खाली जगह भी नहीं दिखेंगी और जो खाली सरफेस है वो फिल हो जाएगा। और उसी नोज़ल से मैंने यहाँ नीचे भी एक सिंपल सी डिज़ाइन डाल दी है, आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से बहुत ही ईजीली बन गई है नीचे की भी डिज़ाइन हमारी एक सिंपल सी। तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे और नीचे डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था तो इसीलिए मैंने टॉप पे एक सिंपल सा डिज़ाइन डाल दिया अपने ही मन से। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा फ्लावर बनाया और उसके साइड में भी इस तरीके से उसकी पत्तियाँ बनाते हुए 5-6 स्टार पुश कर दिए उसके ऊपर। तो ये लीजिए सिंपल सा क्यूट सा केक मेरा बन के तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो बहुत ही इजीली बन के रेडी हो गया केक। तो चलिए अब हम इसे कट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये अंदर से, इसका टेक्सचर कैसा बन लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सिंपल सा क्यूट पिंक वनीला केक बन के तैयार है। तो आपको कैसा लगा ये केक प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक यू लवली पीपल।